नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अनीता चौहान है और मैं आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ। सो स्टूडेंट्स, हम मिले हैं हमारे हिंदी राइटिंग के लिए। तो आज हम पार्ट थ्री, मतलब हम लोग व्यंजन की प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। उसमें मैंने आपको 10 शब्द भी सिखाए हैं, तो अभी हम इसे आगे का सीखेंगे। व्यंजन हमने स्वर की प्रैक्टिस कर ली और अभी हम व्यंजन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में स्वर और व्यंजन पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे हैंड राइटिंग में उसे लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आप सब लोग भी तैयार हो जाओ मेरे साथ। चलो, मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है हमारा जो आगे का व्यंजन है। हमने न्य से ख़त्म किया था, उससे आगे आता है ट, ठ, ड, ढ, अण, बराबर। कौन सा है ये? ट, ठ, ड, ढ, अण। ठीक है, तो आज हम ये 5 अक्षर सीखेंगे व्यंजन का। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सीखना। तो आप अच्छी तरह से देखना कि मैम कैसे कर रही है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा है हमारा व्यंजन? ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसके नीचे एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो है वो नीट एंड क्लीन दिखे व्यंजन। ठीक है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। सबसे पहले हमने किया स्टैंडिंग लाइन, फिर हमने किया कव शेप। ठीक है, तो ये हमारा ट है और ऊपर हम लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो। ठीक है, 1, 2, 3 बार हमने लिखा, और एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ट की स्टैंडिंग लाइन फिर कव शेप। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया? ट, है ना, टमाटर का ट। अब हम उसके आगे का लिखेंगे। कौन सा है ये? ठ। कौन सा है? ठ। ठीक है, तो ठ बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से स्टैंडिंग लाइन छोटी सी बनानी है, फिर बनाना है सर्कल। ठीक है, ये लंबा सा सर्कल। ऊपर बनाएंगे हम स्लिपिंग लाइन। ठीक है, और एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं ठ बनाने की। अभी मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना। ऊपर बनाई हमने स्लीपिंग लाइन। चलो एक और बार प्रैक्टिस करते हैं हम स्टैंडिंग लाइन, फिर सर्कल और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये हमने क्या बनाया? ठ। ठीक है, उसके आगे का कौन सा है हमारा व्यंजन? ड। ठीक है, ड। तो सबसे पहले हम ड बनाने के लिए स्टैंडिंग, फिर कव शेप, जिगजैग लाइन है इसमें। ठीक है, ड। चलो और एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपको पूरे बुक्स के जो पेज होता है पूरा, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी भी लाइन दी गई है। ठीक है, मेरे पेज में 4 बार लिखा जाता है, तो आपकी बुक्स में जितनी बार हो सके उतनी बार आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, ड के बाद कौन सा आता है? ढ। कौन सा है? ढ। ढ बनाने के लिए हमने जैसे ठ बनाया था उसी तरह बनाना है, लेकिन हमें यहाँ पर जॉइंट नहीं करना है, हमें अंदर सर्कल बनाना है छोटा सा। ठीक है, ऊपर बना दी हमने स्लिपिंग लाइन। चलो यहाँ पर भी हमने बनाई, हाँ चलो रेडी। अभी एक और बार करते हैं स्टैंडिंग, फिर कव शेप और बीच में सर्कल। ठीक है, चलो और एक बार, बन गया हमारा ढ। ठीक है, अब आखिरी है हमारा अण। क्या बोलते हैं इसे? अण। तो अण बनाने के लिए आप जैसे ABCD जो हमारी कैपिटल ABCD कैपिटल्स होते हैं, उसमें जो यू होता है, तो आपको यू बनाना है और यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन बनानी है। ठीक है, तो ये हमारा अण बन गया। एकदम इजी है ये तो, है ना। पहले यू बनाओ आप, फिर स्टैंडिंग लाइन बना दो,
ये हमारा बन गया। चलो एक और बार फिर लिखते हैं हम। चलो ये हो गया हमारा। तो ट ठ ड ढ ण, तो आज कितने सीखे हमने? 5 अक्षर, है ना। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ तक ही सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे का हम सीखेंगे। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।